हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम लोग अभी नया क्लच ब्लेड लेके आए। ये पुराना क्लच ब्लेड है, महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट है फ्रेंड्स। ये टोटली अपने को पूरा क्लच किट वाइज रिलीज बेयरिंग अलग से, आप देख सकते हो जेन्युइन पार्ट है महिंद्रा का। ये ओल्ड है क्लच ब्लेड, ये बहुत फिंगर बहुत टाइट था इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। पिकअप भी डाउन था गाड़ी में, देख सकते हो बहुत टाइट है ये पेशेंट ब्रेड। अब हम लोग इसका क्लच ब्रेड फिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो बेयरिंग भी चेक कर लिया हम लोग। अब देख सकते हो हम लोग अभी क्लच ब्रेड लगा रहे ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो रिलीज बेयरिंग ओल्ड रिलीज बेयरिंग है, हम लोग इसको निकाल रहे हैं अभी। तो फॉरक बहुत जाम रहता है, पर इसको अच्छा सा क्लीन कर लेना चाहिए। और यहाँ पे रिलीज बेयरिंग बैठता तो पुराना रिलीज बेयरिंग ग्रीस ले रहे थे, वो टाइट हो गया था। यहाँ पे अपने को अच्छा सा ग्रीस व्रीस लगा के एकदम क्लीन कर लेना चाहिए, उसके बाद ये फॉरक को भी अच्छा क्लीन कर लेना चाहिए। ये बाबा चैनल तो सुनो, क्या लग रहा था इसका सेंटर सही से मिलाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि गियरबॉक्स चढ़ने में बहुत मुश्किल करता, इसको सेंटर जरूरी है सेंटर लगाना। छोटा मोटा गाड़ी का रिपेयर कर सकते हैं, गियर बॉक्स खोल सकते हैं, बहुत वेट रहता है गियर बॉक्स, इसलिए इसको लिफ्ट में रहना अच्छा रहता है। अब देख सकते हो राउंडिंग लगा रहे हैं हम लोग, नीचे का शील्ड लगाना है ना, पकड़ लो मैं पीछे छोड़ दिया। मंच बन ले उसमें कुत्ता बन इसको मंच जान के అంటే కొత్త బండి తీసుకోవాలి।
देख सकते हो फ्रेंड्स, गाड़ी तो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अभी ट्रायल जाने वाले हैं, तो बैटरी में लगा दिया ना, थोड़ा काफ़ी लेट हो चुका है हमारे को। ट्रायल जाएंगे आपको अभी, हम ट्रायल पे बताएंगे। इधर लाइट बताऊँ, हम लोग अभी ट्रायल देख के गाड़ी देंगे।